हेलो रिबन, तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8। शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। हमें शो करना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो तीनों एंगल्स होते हैं वो हर एक क्या होते हैं, 60 डिग्री होते हैं। ये हमें शो करना है। तो मैंने यहाँ पर एक फिगर बनाया हुआ है। ये फिगर आपको क्वेश्चन के साथ नहीं दिया, आपको खुद से बनाना है। तो क्योंकि यहाँ दिया हुआ है इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो मैंने यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी बनाया हुआ है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल होते हैं? ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो मैंने एक ट्रायंगल बनाया ए बी सी, जिसमें जो साइड ए बी, बी सी और सी ए है, तीनों क्या है? आपस में इक्वल है। ठीक है, इसे तीनों को यहाँ पर सिंगल मार्क करके दिखाया गया कि तीनों क्या है? आपस में इक्वल है। ठीक है, हमें शो करना है क्या कि इसके जो तीनों एंगल है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, तीनों एंगल क्या है? तीनों 60 60 60 है। मतलब तीनों क्या है? 60 60 है। ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले देखिए, हम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ गिवन और टू प्रूफ में। गिवन हमें क्या है? एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और जिसकी तीनों साइड्स क्या है? आपस में इक्वल है, यही गिवन है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रायंगल एबीसी इन विच ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए। ठीक है, और हमें प्रूफ क्या करना है कि इसके तीनों एंगल जो है 60 डिग्री होते हैं ईच। तो यहाँ लिखा गया है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री। ये क्या करना है? ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने प्रूफ पर। अब देखिए, प्रूफ को हम इसका प्रूफ जो है थ्योरम नंबर 7.2 की हेल्प से करेंगे। क्या है थ्योरम 7.2 की? अगर कोई गिवन ट्रायंगल है हमारे पास, और जिसकी क्या है, दो साइड आपस में इक्वल है, तो दोनों इक्वल साइड के अपोजिट में जो एंगल फॉर्म होते हैं वो भी क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। ये क्या है? हमारा थ्योरम नंबर 7.2 है। ठीक है, तो अब क्योंकि इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स आपस में इक्वल है, तो हम बारी बारी से दो दो साइड लेंगे और ये थ्योरम नंबर 7.2 को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम आते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी में। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। अब ए बी सी में देखिए, क्योंकि तीनों साइड्स आपस में इक्वल है, तो पहले हम ए बी और ए सी को ले लेते हैं। लिखते हैं यहाँ पर सिंस ए बी इज इक्वल टू ए सी। और ये ए बी ए सी के इक्वल क्यों है? क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो साइड्स आपस में इक्वल होंगी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं रीजन गिवन। तो अब हम अप्लाई करते हैं थ्योरम नंबर 7.2। देखिए, ए बी और ए सी के अपोजिट में कौन सा एंगल बन रहा है? ए बी के अपोजिट में एंगल सी और ए सी के अपोजिट में एंगल बी। तो मतलब एंगल सी एंगल बी के इक्वल है। तो यहाँ लिखते हैं एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी। अब ये क्यों इक्वल है? अब इसके लिए हम यहाँ क्या लिखेंगे? थ्योरम नंबर 7.2। तो इसको देखिए, मैंने यहाँ पे रीजन लिख लिया कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन ट्रायंगल आर इक्वल। किसी ट्रायंगल की जो अगर दो साइड जो है इक्वल है आपस में, तो उसके अपोजिट में जो एंगल फॉर्म होते हैं वो भी क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। जिसको मैंने यहाँ पर रीजन में लिख दिया हुआ है। अच्छा, अब इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, अब देखिए, हमने पहले दो साइड लिया ए बी और ए सी, ए बी और ए सी ले लिया। अब उसके बगल में आते हैं, दूसरी साइड लेते हैं, ए सी को ले लेते हैं और बी सी को ले लेते हैं। ठीक है, फिर यहाँ लिखते हैं अगेन अगेन क्या है? सिंस ए सी इक्वल टू बी सी, क्योंकि ए सी भी बी सी के इक्वल है। और ये भी क्यों इक्वल है? गिवन है ये भी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों साइड्स क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। तो अब लगाते हैं थ्योरम नंबर 7.2 दोबारा। तो ए सी के अपोजिट में कौन सा एंगल है? बी। और बी सी के अपोजिट में कौन सा एंगल है? ए। तो मतलब बी ए के इक्वल है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ लगाते हैं देयरफॉर एंगल बी बी सी के अपोजिट में एंगल ए। और रीजन क्या होगा? रीजन यही सेम होगा थ्योरम नंबर 7.2। ठीक है, तो इसको फिर से यहाँ पे लिखते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ रीजन में लिखा हुआ कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन ट्रायंगल आर इक्वल। एंगल जो कि इक्वल साइड्स के अपोजिट में होते हैं किसी ट्रायंगल में, वो क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। तो इस तरह से बी और ए आपस में इक्वल हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। अब देखिए, इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या मिलता है? ठीक है, तीसरा भी ले सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे 2 में ही हमारा काम हो जाएगा, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो तीसरे में क्या ले सकते हैं कि बी सी
ए बी के इक्वल है, इसलिए एंगल ए है एंगल सी भी इक्वल होगा, लेकिन अब हमारा काम इन दोनों से हो जाएगा तो इसी से कर लेते हैं। तो देखिए 1 और 2 से हमें क्या मिला, देखिए सी बी के इक्वल है और बी ए के इक्वल है, तो यहाँ अगर सी बी के इक्वल है और बी किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, तो इसका मतलब तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से क्या मिला, क्योंकि C B के इक्वल है और B किसके इक्वल है, A के इक्वल है, तो C इक्वल टू B इक्वल टू A, या फिर इसको हम अरेंज करके लिख देते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, A इक्वल टू B इक्वल टू C। ठीक है, अब क्या है, तीनों एंगल आपस में इक्वल हैं, लेकिन हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था कि तीनों एंगल क्या होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल के 60 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्योंकि तीनों आपस में इक्वल हो चुके हैं, तो अब हम इस ट्रायंगल में क्या लगाते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या है एंगल सम प्रॉपर्टी, कि किसी भी दिए ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है, तो ये क्या होती है एंगल सम प्रॉपर्टी। अब आइए लगाते हैं, यहां लिखते हैं सिंस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों ऐसा लिखा है हमने, एंगल सम प्रॉपर्टी से रीजन हमेशा लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए ए बी सी तीनों की जगह हम क्या रख सकते हैं, क्योंकि देखिए ए बी के इक्वल है बी सी के इक्वल है, तीनों आपस में इक्वल है, तो हम क्या करें किसी एक में तीनों को हम चेंज कर देते हैं, एंगल ए को ऐसे ही रहने देते हैं, बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, क्योंकि बी क्या है ए के इक्वल है, इसको इक्वेशन 3 ले लेते हैं, क्योंकि B क्या है A के इक्वल है, तो इसको हम लिख लेते हैं एंगल A, और क्योंकि C भी देखिए क्या है एंगल A के इक्वल है, क्योंकि तीनों आपस में इक्वल है, तो A B के इक्वल है, B C के इक्वल है, C A के भी इक्वल होगा, तो यहाँ से लिखते हैं C की जगह भी क्या लिखते हैं एंगल A। ये तीनों को एक में इसीलिए चेंज किया गया ताकि किसी एक की वैल्यू निकल जाए, और एक की वैल्यू निकल जाएगी तो वही तीनों की होगी, क्योंकि तीनों क्या है आपस में इक्वल है, तो ये तीनों इस तरह से कैसे लिखा गया, इक्वेशन 3 की मदद से, फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक है, तो अब ये ए ए ए 3 एंगल ए हो जाएगा 180 डिग्री, यहाँ से एंगल ए निकालेंगे तो 180 डिग्री अपॉन 3 आके जाएगा, इसको कट करेंगे तो 3 6 18, तो एंगल ए की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री, तो एंगल ए अगर 60 है तो क्योंकि एंगल ए बी के इक्वल है और बी क्या है सी के इक्वल, इसलिए तीनों क्या आ गया 60 डिग्री, देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू क्या आ गया तीनों 60 डिग्री। ठीक है, और यही हमें प्रूफ करना था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल क्या होते हैं, आपस में 60 डिग्री के होते हैं हर एक। ठीक है, यही चीज हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ये तीनों एंगल हमारा आ गया 60 60 60।